हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल काम में। चलिए आज आप लोगों को मैं बताऊंगा जो इन्फिनिक्स R8 का 17/5/2020 को अपडेट आया है मई में, ये करें या ना करें। चलिए इसके लिए सेटिंग में अपने मोबाइल की चलते हैं और नीचे सिस्टम का ऑप्शन दे रहा होगा तो आप सिस्टम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट, यानी सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है आपको, तो इस प्रकार आप सिस्टम अपडेट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन और लोकल दे रहा है तो ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए डाउनलोड आ गया। डाउनलोड के बारे में पूरा दिया है और कितने एमबी का है, 585 MB का अपडेट साइज है, यानी इसको जो डाउनलोड करने में आपका MB लगेगा वो 585 MB आपके मोबाइल में होना चाहिए। अपडेट करते समय ये भी आपको ध्यान देना है कि मोबाइल कम से कम 50% चार्ज होना चाहिए। उससे कम अगर मोबाइल चार्ज हो तो आप अपडेट ना करें, क्योंकि उस समय आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है, बैटरी डाउन हो सकता है, क्योंकि बैटरी ज़्यादा लगता है, आधा घंटा से एक घंटा का टाइम अपडेट में लग जाता है। इसीलिए आपका बैटरी 50% होना चाहिए। और भी जो नए नए चीज़ें, सिक्योरिटी पैच भी चेंज होगा, बहुत सारे नए सिस्टम में अपडेट होगा, तो आप इसे ज़रूर अपडेट कर लें और अच्छी तरह से कर लें। इसके बाद अपडेट देखिए मैं डाउनलोड पे लगा दिया हूँ। डाउनलोड होने में 585 मिनट मेरा स्लो है तो टाइम लगेगा, तो इसी प्रकार आप डाउनलोड पे कर लेंगे। डाउनलोड पे कर लेंगे अच्छी तरह से। डाउनलोड पूरा होने के बाद चलिए मैं आगे बता रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो डाउनलोड करने के बाद ये गलती कभी नहीं करें, होते समय कभी भी अपने मोबाइल को स्विच ऑफ ना करें। डाउनलोड देखिए पूरा डाउनलोड होने के बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, रीस्टार्ट ना हो, यानी पूरा कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए ऊपर दे रहा है सिस्टम अपडेट अवेलेबल भी दे रहा है, वो नीचे दे रहा है रीस्टार्ट नाउ। तो आप रीस्टार्ट नाउ का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है अच्छी तरह से। रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल में कुछ देर के बाद आपका फ़ोन स्विच ऑन हो जाएगा। देखिए ऐसे अपडेटिंग पे एंड्रॉइड सिस्टम अपडेटिंग प्रोसेसिंग अपडेट पैकेज यानी हो रहा है, अपडेट जो होना था वो हो रहा है। होने के बाद आपका इस प्रकार का एक्सुचिता का आ जाएगा और अपडेटिंग होने लगा है। अपडेटिंग होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इन्फिनिक्स पावर बाय एंड्रॉइड। आने के बाद ऐसे आपको 10 से 20 मिनट का इसमें टाइम लग सकता है अपडेट में। देखिए ऐसे करके इंस्टॉलिंग होगा सिस्टम अपडेट, यानी जो आप अपडेट किए हैं वो इंस्टॉल होता है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो टाइम लगे तो वेट करना है, इस बीच में आपके मोबाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है बिल्कुल ही, तो आप सावधानी बरतें, नहीं तो आपका मोबाइल स्विच पर सॉफ्टवेयर रुक भी सकता है, जिससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रकार आप अपडेट कर सकते हैं। अपने अपडेट होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से 100 लिख के चिता आ जाएगा। इसके बाद आपका फाइल ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन होने के बाद आप आराम से लॉक वाला बटन दाबेंगे। लॉक वाला बटन दाबने के बाद अपना लॉक जो पासवर्ड पहले डाले थे वही डाल के आप खोल सकते हैं। देखिए स्विच ऑन हम कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से स्लिप स्विप करने पर आपका पासवर्ड डालेंगे मोबाइल ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं कि मोबाइल में क्या क्या चेंजेज हुआ है। देखिए कितना अच्छा थेम्स आ गया है, जो स्लाइड करने पर स्लाइड हो रहा है अच्छे से, और फास्ट भी मोबाइल काम कर रहा है। देखिए फास्ट भी काम कर रहा है। देखिए जैसे जैसे हम तेज़ी से जितना फास्ट चला रहे हैं यानी आपके मोबाइल का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, हैंग करने के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। देखिए अब चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको दिखा रहे हैं देखिए कितना फास्ट काम कर रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा है फ़ोन। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।